हेलो फ्रेंड्स, आई एम टीपी वंजारा। मैं आज आपको सरकार मान्य नंबर प्लेट के बारे में बिल्कुल डिटेल बताने वाला, पूरी डिटेल बताने वाला। तो अंत तक इस वीडियो को देखिए, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करना है। ओके, क्या क्या प्रोसेस करना है, क्या नहीं करना है, सारी डिटेल इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए नीचे लाल बटन दबा के, और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले किस तरह से प्रोसेस करना है और किस तरह से नहीं। ओके, अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। ओके, जय हिंद। अब सभी वाहनों के लिए जरूरी हो गया है हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट। जान लो के कैसे कराए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। अब हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट हर किसी के लिए जरूरी हो गया है। ऐसे में आपको भी जल्द से जल्द के लिए रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट करा लेना चाहिए। लेकिन हमारा सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन कराए तो कराए कहाँ, वेयर टू गेट हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट, और कितने पैसे खर्च हो गए इसमें, आइए जानते हैं इन सब के बारे में। हर सभी राज्यों के वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट जरूरी हो गई है। भले ही आपके पास दो पहिया वाहन हो या चार पहिया वाहन, लेकिन आपको हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी होगी। साथ ही कलर कोड स्टिकर्स भी इस्तेमाल करने होंगे जो सरकार ने निर्धारित किए हैं। यह नंबर प्लेट हर राज्य में ऑटोमोबाइल डीलर्स द्वारा ही लगाए जाएंगे। ग्राहक अपने नंबर प्लेट के लिए अपने राज्य के हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट यानी HSRP के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट करना शुरू कर सकते हैं। साथ ही वह रजिस्ट्रेशन फॉर ऑनलाइन प्रक्रिया में अपना स्टेट भी चेक कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि रजिस्ट्रेशन करना कहाँ है। वैसे तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्रिया अलग अलग राज्यों के लिए अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इस एक उदाहरण से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक HSRP वेबसाइट पर जाएं। वहां पर आपको गाड़ी से जुड़ी हुई तमाम जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपकी गाड़ी प्राइवेट है या कॉमर्शियल है। वैसे तो इसकी ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया अलग अलग राज्य के लिए अलग अलग हो सकती है, लेकिन इस एक उदाहरण से आपको एक अंदाजा लग जाएगा कि ऑनलाइन आवेदन करना कैसे है। इसके लिए सबसे पहले अपने राज्य की आधिकारिक HSRP वेबसाइट पर जाए। वहां आपको अपनी गाड़ी से जुड़ी हुई तमाम जानकारियां देनी होगी, जैसे कि अपनी गाड़ी प्राइवेट है या कॉमर्शियल है, दो पहिया है या चार पहिया, किस कंपनी की है ये गाड़ी, जैसे कि गाड़ी का नंबर क्या है, और ऐसी ही अन्य कई जानकारियां वहां आपको अपने डीलर को भी सुनना होगा जिससे आपने अपनी गाड़ी ली है, जो आपकी गाड़ी पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएगा। सबसे पहले ये पता लगना जरूरी है कि आखिर में आवेदन करना कहाँ से है। अलग अलग राज्यों के लिए HSRP वेबसाइटें अलग अलग है। आपके राज्य की HSRP वेबसाइट क्या है, इसके बारे में अपने राज्य की वेबसाइट पर आपको अपने राज्य की HSRP वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। फिर आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट कस्टमर केयर नंबर 0114750 4750 आप इस नंबर पर बात करके भी जानकारी ले सकते हैं। अगर चाहे तो HSRP@gmail.com jdadam@ntpdghubnicein पर इस पर आप ईमेल करके भी पता कर सकते हैं आपके राज्य की HRP वेबसाइट का लिंक क्या है। चार पहिया वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन फीस 600 रुपये से लेकर 1100 रुपये तक है, जबकि आप दो पहिया वाहन के लिए रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 300 से 400 रुपये तक खर्च करने पड़ सकते हैं। यदि किसी व्यक्ति को हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट के लिए आवेदन करना है तो देखना होगा उसके वाहन का कोई चलन तो लंबित नहीं है, वाहन का रजिस्ट्रेशन निलंबित और निरस्त तो नहीं किया गया है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको भी पता चले इस हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बारे में। तो दोस्तों, इसी तरह की मैं वीडियो एक से एक लाती रहता हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए लाल बटन दबाकर। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे इसी तरह के नए वीडियो में। जय हिंद, जय गुजरात। Even if it's fake.